यहाँ का चाय का एक अलग ही स्वाद है, थोड़ा सा यूनिकनेस लगा तो रुक गए यहाँ पे। ऐसा कंसेप्ट सिंगार्ड में पहली बार आई, एक क्रिएटिवनेस के साथ उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है। पढ़ लिखे चाय बेचना क्या गलत है, पढ़े लिखे लोग ही चाय बेच सकते हैं। पर डे करके जो है 500 से लेके 600 तक जो है कप ये चाय बिकता है। यहाँ आप चाय का वैरायटी देख लीजिए, रेगुलर टी, तंदूरी टी, चोको टी, केसर टी, पान टी, गुलाब टी, मसाला टी। नमस्कार, केबीएस स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। मनोज के साथ अमरेश यार। अभी आपको आपने बहुत चाय वाला देखा होगा, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, बहुत से चाय वाले देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं भाई भाई चाय वाला, जो कि बहुत अलग है और विभूतिपुर का ये पहला स्टॉल है और चाय की दुकान है जो कि अलग है। तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे किस तरह का चाय देख सकते हैं। ऊपर जो लिखा है एक चाय हो जाए, भाई भाई चाय वाला, भाई का जो प्रेम होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए यहाँ से कुछ कस्टमर से भी जानेंगे इस दुकान का क्या स्वाद है, क्या चाय है, और यहाँ के जो ओनर हैं, जो संचालक हैं, उनसे भी जानेंगे। तो हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा अंदर आइए और अंदर से जानते हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ इस दुकान में लगा है और बहुत से कस्टमर हैं बैठे हैं यहाँ पे, हम चाहेंगे इधर आने के लिए। एक चाचा जी देखिए यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो आप चाय पीने के लिए आए हैं इस दुकान में? हाँ जी। तो इस दुकान का कैसा चाय लग रहा है, स्वाद में कैसा है? चाय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी जी। तो आइए कुछ यहाँ पे जो दर्शक है, जो यहाँ पे संचालक करते हैं, उनसे भी जानते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे केबीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी जी। तो सर, ये जो आप भाई भाई चाय वाला, ये कैसे आपको लगा जो नई ओपनिंग करना चाहिए इस भाई भाई, क्या लगा इस? एक हम नया सोचे कि माहौल पैदा हो कि यहाँ पे जो है, जैसे कि एक कभी भी कोई भी इंसान आता तो अकेले पीने के लिए नहीं आता, दो चार फ्रेंड के साथ आता, अपने भाई के साथ आता, फैमिली के साथ आता है। तो इसलिए हम सोचे कि एक रिश्ता जुड़ जाए, एक रिश्ते के नाते आके पी सके चाय। और सुबह सुबह अक्सर इंसान जो है पीने के लिए आते हैं चाय पीने के लिए, तो हम चाहते हैं कि कुछ पर्सन जो आते हैं तो उनका नाम से भी जो थोड़ा चाय का जो है पॉपुलैरिटी बढ़े, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ये नाम रखे भाई भाई चाय वाला। तो आप यहाँ पे दोनों भाई अपना चाय मतलब देते हैं जी, तो आपके ये भाई हैं। तो सबसे पहले आपका केबीएस स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। कैसा आपको लगता है दोनों भाई जब एक साथ मतलब चाय की दुकान, चाय बेचते हैं, सेल करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी जी। और ये भाई भाई चाय वाला है जो हमेशा मिलजुल के रहना जी जी। आप एक संदेश भी दे रहे हैं लोगों को, दर्शक और जनता को, जो मिल के काम, कोई भी मिल के करने से आगे तक एकता में बल है जी जी जी। हमेशा एकता में रहना चाहिए, भाई भाई बन के रहना चाहिए जी जी, जी। ताकि अभी जो चल रहा है माहौल, हमेशा कहीं कुछ होते रहता है, उसी के लिए भाई भाई चाय वाला नाम रखे। जैसे आप देखते होंगे कोई भी बिजनेस हो या कुछ स्टार्ट हो, अलग अलग लोग करते हैं, अपना भाई अलग अलग करते हैं, लेकिन आपका दुकान का नाम भी यूनिक है भाई भाई चाय वाला, और दोनों भाई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। जो अलग अलग अपना भाई से अलग होकर काम करते हैं, उनसे क्या कहना आप चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में सारा चीज कुछ नहीं है जी जी। बस भाईचारा ही एक है जो जी जी। प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, यही सब रहता है साथ जी जी जी। पैसा उसा कुछ साथ नहीं रहता है। तो आइए, यहाँ पे एक सर हैं जो कि चाय का आनंद ले रहे हैं, तो इनसे जानते हैं यहाँ का चाय का क्या स्वाद है, भाई भाई चाय वाले के यहाँ चाय पी रहे हैं और क्या स्वाद है। और विभूतिपुर प्रखंड का एक यूनिक दुकान है, अलग है, सबसे अलग है। तो सर, सबसे पहले हमारे केबीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आप कब से इस दुकान पे चाय पीने आते हैं? हम तो पहली बार आज गुजर रहे थे तो यहाँ देखे कि कुछ नया खुला हुआ है, थोड़ा सा यूनिकनेस लगा तो रुक गए यहाँ पे जी। तो सर, इस दुकान का नाम है भाई भाई चाय वाला, बहुत ने आपसे फोन पे भी देखे होंगे, बहुत जगह देखे भी होंगे, ग्रेजुएट चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाली, बहुत सर, लेकिन भाई भाई एक प्रेम का मतलब। हाँ, यहाँ पर एक दूसरे एक नया तरह का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है आकर के जी। बिल्कुल जी, ये मतलब संदेश दे रहे हैं बिजनेस के साथ साथ, संदेश दे रहे हैं कि भाई भाई मतलब एक चरा बना के रखना जी। बिल्कुल, एक प्रेम का संदेश है कि आपस में भाई भाई मतलब एक संबंध भी यहाँ पे दिख रहा है। तो सर, आप आए हैं, दोनों सर एक साथ आए हैं, मतलब कि ये भी संदेश दे रहे हैं, चाय लोग अकेले तो बिना आते नहीं है, साथ में आते हैं, भाई भाई या दोस्त फ्रेंड
साथ में आते, ये भी संदेश है और बहुत अच्छा लगता है। तो सर इस जो दुकान के संचालक हैं जो चलाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अनोखा, एक नए तरह का मैसेज है उनके थ्रू आज के युवाओं के लिए कि मतलब रोजगार का एक नया तरीका है उनका, है ना। और रोजगार किसी भी तरीके से किया आ सकता है, बस थोड़ा सा एक नई सोच होनी चाहिए, एक क्रिएटिवनेस के साथ उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया है और ये बहुत ही बेहतर है। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इनका बिजनेस फले फूले, और लोगों को से ये कहना चाहूँगा कि वो आएँ और यहाँ पर चाय की चुस्की लें। जी सर, जैसे सरकार भी अपना माननीय प्रधानमंत्री भी जी जो कि अपना अपील कर रहे हैं जनता से, जो आत्मनिर्भर देश बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भरता का ये एक संदेश है जी, कि मतलब इस छोटे से दुकान में मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, है ना, और एक उल्लास दिख रहा है यहाँ पर कि आप सब लोग मिल कर के यहाँ पर इसको चला रहे हैं, है ना, और ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए कोई जगह यहाँ पे इस तरह का नहीं था जो कि यहाँ पे मिला, ये बेहतर चीज़ है और ये जगह जगह होना चाहिए और लोगों को यहाँ पे एक जगह मिलेगा जहाँ रुक करके लोग चाय की चुस्की ले सकते हैं। सर ये जगह भी बहुत प्रसिद्ध है, विभूतिपुर का बहुत प्रसिद्ध जगह है, विभूतिपुर ब्लॉक से बस बगल में है जी, विभूतिपुर ब्लॉक के बगल में है, तो और बेहतर जगह है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाय पी रहे थे, चाय का कैसा स्वाद लगा? अलग लगा और बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर जी। सर आपका चाय जो पी रहे थे कितने में है? लोग कहता है कि बड़ा बड़ा दुकान या जो यूनिक खोलता है उसका बहुत महंगा रहता है। बिल्कुल, ये 10 रुपए का चाय है, हाँ मात्र 10 रुपए। तो जो दर्शक देख रहे हैं अपने विभूतिपुर क्षेत्र के या और जी, जी। उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आएं और चाय की चुस्की यहाँ लें। तो आइए, कुछ युवा साथी हैं जो कि चाय का आनंद ले रहे हैं आराम आराम से, तो आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले KBS स्टूडियो में आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी। तो आप भाई भाई चाय वाला के यहाँ चाय पी रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का चाय का एक अलग ही स्वाद है। हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, अक्सर आया करते हैं, यहाँ का चाय का टेस्ट एक अलग लेवल का टेस्ट है जी। जैसे मिट्टी के बर्तन में यहाँ पे चाय मिलता है, बहुत से दुकान में वो जो प्लास्टिक का जो आता है पेपर, यहाँ सिर्फ मिट्टी का ही मिट्टी बर्तन में मिलता है जो कि झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तन। लोग कहते हैं कि अपने चाय के बने अपने देश की मिट्टी चूमने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। देखिए एक्चुअली है क्या, जो प्लास्टिक बैन हो चुका है उससे पीने से कुछ फ़ायदा है नहीं, ये कुल्हड़ वाला चाय एक अलग लेवल का होता है, इसमें पीने के बाद एक अलग लेवल का स्वाद आता है, लोग को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और ये चाय का आनंद लेना ही चाहिए जी। मतलब मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए लोग को जी जी, जी और जागरूक होना चाहिए जो हाँ जी बिल्कुल, ऐसा करना ही चाहिए लोग को, इसके पीने के बाद एक अलग मज़ा आ जाता है, देश की मिट्टी है जी जी। इसको ऑटो से लगा के एकदम दिल खुश हो जाता है। तो सर जैसे जो लोग यहाँ नज़दीकी देख रहे हैं जो इस दुकान के बारे में अभी देख रहे हैं वीडियो, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार इनको सेवा का मौका करने का अवसर दें जी, ये आसपास के जितना क्षेत्र है, ये विभूतिपुर क्षेत्र सिंगिया घाट है, यहाँ यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे आके आदमी एक बार ट्राई करे चाय का स्वाद ले, एक बार सेवा का मौका दे इनको। ये चाय देखिए भाई भाई चाय वाला है इनका, आइए कभी एक बार स्वाद लीजिए चाय। दो भाई का प्रेम का ये दुकान है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं जो आप लोग भी अभी आए हैं, 2-3 भाई मतलब दोस्त आए हैं, हाँ हाँ हाँ, मिल के आए हैं जी। जो युवा साथी हैं जो चाय के शौकीन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में सुबह होते ही लोग बिस्तर से उठते ही चाय चाहिए ही चाहिए, यहाँ आप चाय का वैरायटी देख लीजिए, रेगुलर टी, तंदूरी टी, चोको टी, केसर टी, पान टी, शायद यहाँ के लोग पान टी के बारे में जानते ही नहीं होंगे, गुलाब टी, मसाला टी, चाय का जितना वैरायटी है अलग अलग प्राइस है, 10, 15, 15, 15, 20, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक बार टेस्ट कीजिए मज़ा आ जाएगा जी। चाय का एक अलग लेवल है यहाँ का, चाय है, बिस्कुट है, खाइए आप यहाँ आके, अच्छा चीज़ है, ये लोग मौका दीजिए सेवा के इन लोग को एक बार जी जी। जैसे सरकार भी कहीं ना कहीं अपना कह रही है आत्मनिर्भर बनो, काहे कि अपना भारत देश में इतने जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से जो कि हर आदमी को जॉब देना संभव नहीं है, और लोगों का भी कहना होता है बड़ा मालिक बनने से एक छोटा, मतलब बड़ा नौकर बनने से एक छोटा मालिक ही अच्छा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम में चाय वाले हैं, MBA चाय वाला अभी जी, इनसे देख के लोग प्रोत्साहन हुए हैं, बहुत सारे लोग इनको देख के ही फॉलो किए हैं चाय का नियम, जब वो कर सकते हैं, ये चाय क्या है, ये अपना बिजनेस है, हम किसी के अंदर नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं, अपना बिजनेस हम कर रहे हैं, सुबह आते हैं, रात को जितना ही कमाई हुआ कमा के घर चले जाते हैं, अब क्या चाहिए,
1500 रोज का हम कमा लिया, हमको क्या चाहिए ये गांव में रह के, बहुत बड़ी बात है यहाँ का। बहुत लोग कहते हैं ऐसे भी पढ़ लिख के हम चाय बेचेंगे, हमको लाज लगता है, ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लिख के चाय बेचना क्या गलत है जी। पढ़े लिखे लोग ही चाय बेच सकते हैं जी। और जो मूर्ख लोग रहेंगे उनको चाय के बारे में पता ही नहीं रहे, उनको हम क्या समझाएंगे चाय के बारे में, बोलिए क्या गलत हम बोल रहे हैं जी। बात सही है, बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं जो कोई काम करने में शर्म नहीं है, आप कमा के खा रहे ना कि चोरी करके जी। बिल्कुल जी। चाय बेचना देखिए, पटना में भी एक लड़की चाय बेच रही है जी जी। उनका एक दिन का इनकम है 5 से 10 हज़ार रुपया। आप बताइए अच्छे अच्छे व्यक्ति 5-10 हज़ार रुपया नहीं कमा सकते, एक दिन में नहीं कमा सकते जी। बिल्कुल, ये चाय बेचना क्या है जी। चाय जितना ये लोग क्रेज बढ़ेगा चाय का, दुकान का लोग जानेंगे फिर तभी तो यहाँ आएंगे ना। क्या है चाय सबसे अलग चीज है, चाय पीना चाहिए लोग को, सुबह सुबह एकदम ताजगी महसूस होता है, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है आनंद लेने के लिए, चाय के साथ साथ आप म्यूजिक शौकीन है तो जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम आइए, अपने मन पसंद का गाना सुनिए, डेकोरेशन देखिए अलग लेवल का है लग रहा है। चाय जी दुकान जी। में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। नहीं नहीं ऐसा यहाँ पर तो एक ही चाय शॉप है यहाँ का जी, यही एक ही शॉप है, वो हाल फिलहाल एक महीने पहले खुला है। ये लोग भाई का मेहनत है, भाई भाई चारा का मेहनत है, दुआ करेंगे इसका मेहनत रंग लाए, आगे कामयाब हो, ऐसा 2-3 शॉप इसके पास हो और खोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। आप देख सकते हैं चाय लवर की कमी नहीं है यहाँ पे, चाय लवर्स जो कि हैं बहुत से भीड़ है चाय का, कितना ज़्यादा लोग देखिए इस दुकान पे हैं और चाय पीने आते हैं। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, केवी स्टूडियो में। धन्यवाद आपका, आप लोग का। भाई भाई चाय वाला के यहाँ आप चाय पीने आए हैं, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इस जगह यहाँ पे सिंहागढ़ का जो जगह है ब्लॉक रोड में जी जी, वो एक अच्छा सा माहौल बना है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट सिंहागढ़ में पहली बार आई है जी जी। ठीक है, तो ये एक आजकल के जो नौजवान होते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा माहौल बनता है, और इन्वायरमेंट है यहाँ पे, एक जगह करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन चाय यहाँ पे पिलाया जाता है। सर यहाँ पे चाय का जो स्वाद रहता है कैसा रहता है? काफ़ी अच्छा होता है, बाकी दुकानों से काफ़ी बेहतर होता है यहाँ पे, और बहुत तरह बहुत वैरायटी के भी चाय यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे इनके पास। जो युवा साथी देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि आप यहाँ पे आइए, चाय पीजिए, चाय का टेस्ट का स्वाद लीजिए, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, स्टार्टिंग जीरो से ही होती है जी जी। और ये इनकी स्टार्टिंग हो चुकी है, और अभी आप बहुत सारे देख रहे होंगे MBA चाय वाले हो गए, वो लोग जीरो से स्टार्ट करके अभी कहाँ किस लेवल पर जा रहे हैं, एक ब्रांड बन गया है। हाँ, तो लोगों का प्यार रहेगा जी, भाई भाई वाला एक ब्रांड बन जाएगा, हो सकता है अभी यहाँ पे है, हो सकता है अभी आगे भी ये लोग ब्रांच खोल सकते हैं। लोग का सपोर्ट, लोग का ही सपोर्ट, जनता का ही जो सपोर्ट होता है, दर्शक का जी जी। और जो ये ऑनर जो है इनके काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, और बिहेवियर भी उनका बहुत अच्छा है, तो जिसके लिए यहाँ पर माहौल रहता है, और काफ़ी भीड़ भी लगी हुई होती है। एक तो इनकी चाय की टेस्ट अच्छी होती है, प्लस इनका बिहेवियर सब चीज़ यहाँ का बेहतर है। यहाँ पे आप एक बात बताएं, बहुत अच्छा, काफ़ी भीड़ रहता है, हम देख रहे हैं उस टाइम से लगभग 100 से 200 आदमी आए और पी के चले गए जी सर। एक्चुअली ये तो एक नया सा कॉन्सेप्ट है, यूनिक है, और जो कि हम लोग के गाँव में शहर में पहली बार आई है, तो लोगों को उत्सुकता होता है, अब कुछ बेहतर लोग चाहते हैं। चाय का दुकान तो बहुत सारा है, बट कुछ अच्छा साफ सफाई के हिसाब से मिलता है तो लोग आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक दिया गया सुनने के लिए, काफी चाय लवर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि स्लो म्यूजिक में एंजॉय करके टाइम देकर के चाय पीजिए, बातचीत कीजिए, ये अच्छा एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया। तो सर ये जो भाई भाई चाय वाला है बहुत ही गजब का लग रहा है, और अपने विभूतिपुर का एक अनोखा है, तो इसके लिए आप इस दुकान पे अभी चाय पी रहे थे कुछ देर पहले, तो ये कैसा लग रहा है यहाँ पे चाय पी के? यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि दिन में आया नहीं आया, मैं यहाँ खुद का बिजनेस संभालता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आता हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम आता हूँ, चाय पीता हूँ। चाय का टेस्ट जो है यहाँ पे बहुत, अगर आप अनुभव करेंगे तो यहाँ बहुत बढ़िया टेस्ट है यहाँ पे जी। बाकी जगह से ये नहीं कहूँगा कि, और भी जगह मैंने चाय पिया है, बाहर भी रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि खराब यहाँ टेस्ट मिलता है। यहाँ का आप चाय पी के खुद देखो, खुद का अनुभव लो और फीडबैक दो खुद का। सर एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है, दोनों भाई का प्रेम, दोनों भाई का प्रेम से चाय बनता है, दोनों भाई का मिला, चीनी एक डालते हैं और चाय एक खोलाते हैं, बिल्कुल, तो ये एक प्यार से बना चाय होता है, प्लस में एकदम क्या उसका टेस्ट कितना अच्छा। उसका टेस्ट मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं कैसा मेरे को टेस्ट लगता है, मैं बोलूँगा आप एक बार पी के ट्राई करो, यहाँ का आपको टेस्ट खुद पे खुद अनुभव हो जाएगा कि यहाँ का टेस्ट कैसा है जी।
तो जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार भाई जी का कहना है, एक बार आप आए और स्वयं टेस्ट का अनुभव करें, इस टेस्ट का क्या मजा है। काहे कि हम आपको बताएंगे तो उतना आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। तो एक बार इस स्टॉल पे आए, इस दुकान पे आए। इस दुकान का पता है विभूतिपुर प्रखंड थाना के बगल में पड़ता है और समस्तीपुर जिला के अंतर्गत है। तो एक बार आए और आनंद ले इस चाय के, एक चाय हो जाए तो एक बार चाय का आनंद ले। और सर, आप जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि लोग यहाँ पे आएँ, एक बार चाय का टेस्ट का आनंद लें और खुद पे खुद इनको फीडबैक दें। ऐसा नहीं है, ये अपना फीडबैक बोर्ड लगा देंगे बाहर में, उस पर लोग फीडबैक दें कैसा चाय बनता है। अगर कुछ चीज़ का कमी हो रहा हो तो उसमें वो दर्शाएं कि इस चीज़ का आपका कमी हो रहा है, ताकि लोग जागरूक हों और ये भी जागरूक हों कि हमारे चाय में इस चीज़ की कमी है। जी जी, एकदम सर। तो आपने बहुत सही बात कहा, कोई चीज़ का भूल हो जाता है, कोई चीज़ का कहा है कि हर आदमी का हर चॉइस होता है, हर मतलब हर ढंग से वो अगर टेस्ट लेंगे तो बोलेंगे भाई ये चीज़ कमी है। तो हर लोग का जो सजेशन होगा उस पर काम करेंगे तो और बेहतर होगा। जी जी, तो ऐसा है कि ये लोग जो चाय बनाते हैं ना, अपने उनको क्या बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मल चाय पत्ती की टेस्ट नहीं होती है, चीनी की टेस्ट नहीं होती है। एक होता है ना, आप अपने मन से पिला रहे हो चाय, तो वो लोग ये अपना 100% देते हैं इस चाय में, ताकि टेस्ट बेटर हो और ग्राहक को ये पसंद आए। सर, क्या उम्मीद है जो दर्शक हैं, जो जनता हैं, जो हर जनता ही हर स्टार को सुपरस्टार बनाता है, हर नेता को, अभिनेता हो या नेता, जनता ही डिसाइड करता है, या कोई बिजनेस हो उसको जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले, जो सुनने वाले, जो खरीदने वाले, वही आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो भाई भाई चाय वाला विभूतिपुर में अपना स्टॉल एक ओपनिंग हुआ है, इसको क्या लगता है जो जो दर्शक हैं, जो यहाँ का कस्टमर हैं, कहाँ तक ले जाएंगे इनको? मुझे लगता है कि ये चाय का जो शॉप है, स्टॉल यहाँ लगा है, ये आपका हर जगह इसका ब्रांच ओपन होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ताकि उनको टेस्ट का अनुभव हो। अच्छा सर, ये जो आपका ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये कप है, और बहुत से दुकान में ये कप भी रहता है, बहुत कहीं कहीं कूलर जो, लेकिन बहुत कम रहता है, प्लास्टिक कप हो गया, जो भी लोकल आता है, जो भी उसका आता है उस कप में दिया जाता है, तो जितना भी है सब आप इसी कप में देते, तो ऐसा क्या खास है? ऐसा बात यही है कि पर डे करके जो है 500 से लेके 600 तक जो है कप ये चाय बिकता है। जी जी। तो हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ कुछ बेरोजगार जो कुम्हार लोग हैं, उन लोग का भी मतलब खर्चा पानी चलते रहे, तो पर डे करके अगर 500-600 करके भी पैसा उनको अगर देते हैं तो उनका भी घर परिवार चलता रहेगा और हम लोग का भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लास, शीशा का ग्लास होता है और प्लास्टिक का ग्लास, उसमें जो है गर्म चाय पीने में, मतलब प्लास्टिक में तो पीना नहीं चाहिए और शीशा में उतना टेस्ट नहीं आता है, बट कुल्हड़ में जो है उसमें टेस्ट भी आता है और स्वाद भी रहता है और इंसान उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि वो मिट्टी का बर्तन है और थोड़ा सा स्वादिष्ट रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने देश को मतलब आगे बढ़ाने मेड इन इंडिया का उपयोग करें, एकदम देश की मिट्टी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारे जो कुम्हार हैं जो इसका बनाते हैं, उनको भी ले के आप चल रहे हैं कहीं ना कहीं। हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी चीज जुड़े वो एक दूसरे को रोजगार देते रहें। जी जी। हम नहीं चाहेंगे कि हम ही सिर्फ आगे बढ़े, कोई ना बढ़े, हम चाहेंगे कि मेरे साथ साथ मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं वो सब साथ में कदम कदम मिला के आगे चलते रहें। जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपके क्षेत्र के कस्टमर देख रहे हैं, जो विजिट किए हैं और विजिट करना आपके यहाँ चाहते हैं, आप चाय पीना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका दें, अगर उनको पसंद आए तो फिर से आएंगे, नहीं आए तो मुँह पे बताएंगे मुझे कि हाँ सर इसमें क्या मतलब कमी है क्या नहीं है, तो उनको हम पूरा करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो आप एक बार जरूर आइए इस चाय का स्टॉल पे, भाई भाई यहाँ जब आप आइएगा और प्रेम देखिएगा दोनों भाई जी का, तो सही में आपको प्रेम देख के मतलब दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद जब आप चाय का आनंद लीजिएगा तो चाय पीने में ये स्वाद है कि आप कहिएगा जरूर यहाँ पे क्या स्वाद बना। तो उम्मीद करते हैं आप सब आएंगे, जो भी नज़दीकी फ्रेंड दोस्त देख रहे हैं, और इनका एक बार जरूर आके आप रिव्यू दें, जो आपके क्षेत्र आप जहां से आए वो भी बताएं, आप कहां से आए चाय पीने के लिए। एड्रेस हाँ, एड्रेस आप बता दीजिए। यहां का एड्रेस हुआ विभूतिपुर ब्लॉक चौक जी के उत्तर सिंघिया घाट रोड में। जी जी, ठीक है, यही एड्रेस है यहाँ का। जी जी। सर, जो दर्शक हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो अगर चाहते हैं एक बार आपके यहाँ आए और चाय का आनंद लें, तो वो कैसे आएंगे, क्या पता इसका खास पता क्या है? सबसे पहला चीज़ तो अभी तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और टेक्निकल इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, जिसके वजह से कोई भी मतलब आने में परेशानी नहीं होगा। फ़ोन में भी लोकेशन डालेंगे, भाई भाई चाय वाला 01 करके डालेंगे तो ये लोकेशन आ जाएगा। और दूसरा चीज़, ये एड्रेस प्रॉपर है विभूति ब्लॉक चौक जी, उसके
पास में ही आपका कृष्णा किशोर का क्लिनिक है, जो मवेशी डॉक्टर हैं, बहुत पॉपुलर हैं वो भी, उन्हीं के जस्ट बगल में है ये सिंघिया रोड, नरहन रोड पड़ता है, सिंघिया नरहन रोड पड़ता है ये, बिल्कुल यही एड्रेस है। धन्यवाद।